देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं भारतीय संविधान में से आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत में पंथ निरपेक्षता। आज का अपना टॉपिक है, तो अपन शुरुआत करते हैं पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पंथ देखिए, पंथ का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा धार्मिक संप्रदाय जिसके अनुयायी उसकी प्रथाओं और मान्यताओं को विशेष महत्व देते हैं, विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। कोई भी ऐसा धार्मिक संप्रदाय जिसके अनुयायी उसकी प्रथाओं को और मान्यताओं को विशेष रूप से मान्यता देते हैं, स्वीकार करते हैं, वो कहलाता है पंथ। जैसे नानक पंथ है, कबीर पंथ है, नाथ पंथ है, इस प्रकार से बहुत सारे पंथ बने हुए हैं, कबीर पंथ है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए पंथ। अब पंथ निरपेक्षता, निरपेक्ष का मतलब होता है अलग रहना, तटस्थ रहना। तो इन पंथों से अपने आप को अलग रखना, किसी भी पंथ का अनुयायी न होना और पंथों से अपने आप को अलग रखना, ये कहलाता है पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है, पंथ निरपेक्षता के लिए सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है। और सेक्युलर के लिए जो हिंदी का अनुवाद है, संविधान का जो हिंदी अनुवाद है, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि धर्म निरपेक्ष शब्द। धर्म निरपेक्षता के भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है। पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है वो धर्म निरपेक्षता को एक नकारात्मक धारणा मानता है, नकारात्मक। पाश्चात्य दृष्टिकोण पंथ निरपेक्षता को एक नकारात्मक धारणा मानता है, जिसमें पंथ निरपेक्षता का मतलब है धर्म और राज्य का अलगाव, धर्म और राज्य का अलगाव, जिसमें धर्म और राज्य एक दूसरे से पृथक रहते हैं। जबकि भारत में पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक धारणा है, सकारात्मक धारणा है। भारत में धर्म और राज्य एक दूसरे का के प्रति विरोधी भाव नहीं रखते हैं, भारत में धर्म और राज्य का अलगाव नहीं है, बल्कि भारत में राज्य सभी धर्मों के प्रति, पंथों के प्रति समान भाव रखता है, सभी धर्मों और पंथों के प्रति सद्भाव रखता है, सर्वधर्म सद्भाव की नीति के अंदर विश्वास करता है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसका अपना कोई राजधर्म नहीं हो। जैसे इस्लामिक जो कंट्री है, उन कंट्री के अंदर इस्लाम उन देशों का राजधर्म है, वहां पर इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं केवल उन्हीं को अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, और बाकी धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। लेकिन भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, यहाँ पर राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं है, और राज्य के द्वारा धर्म और पंथ और संप्रदाय के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, और सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो हमारे देश के संविधान में पंथ निरपेक्षता के बारे में कौन कौन से प्रावधान किए गए, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो पहली जो बात है संविधान में पंथ निरपेक्षता से रिलेटेड, वो तो है प्रस्तावना। हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में दो बातें हैं जो भारत को पंथ निरपेक्ष देश राज्य सिद्ध करती हैं। पहली, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। दूसरी जो चीज प्रस्तावना में कही गई है पंथ निरपेक्षता से रिलेटेड, वो क्या है, वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके और ये शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्षता। दो और शब्द जोड़े गए थे जो मैंने दूसरे प्रस्तावना वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। तो इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना भी भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश जो है वो घोषित करती है।
उसके अलावा मूल अधिकार संविधान के भाग तीन में जो नागरिकों के 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उन मूल अधिकारों में कई मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य जो है घोषित करते हैं। जैसे अपन एक एक करके देखते हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक भारत के नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। कानून धर्म के आधार पे, पंथ के आधार पे व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको कानून का समान संरक्षण है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, जिसके भी मूल अधिकार का हनन होता है वो कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। कोर्ट कानून बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के जो है और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद पर जो है सुनवाई करता है। दूसरा देखिए, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के तहत संविधान में यह कहा गया है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, पंथ का है, उसका कोई भी जन्म स्थान है, वो स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे कहीं का रहने वाला है, हर व्यक्ति को क्या किया गया है, बिना किसी भेदभाव के और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इन आधारों पर व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। जो भी सार्वजनिक स्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, अस्पताल है, रोड है, बस स्टैंड है, रोडवेज स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हर सार्वजनिक स्थान पर और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को प्रवेश करने का अधिकार है। अगला, सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि जो व्यक्ति जिस सरकारी सेवा के लिए योग्य है, क्वालिफाइड है, वो उस सरकारी सेवा में आवेदन कर सकता है, एग्जाम फाइट करके, और वो पद प्राप्त कर सकता है। उसमें किसी भी पंथ के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 25 इसके अंतर्गत क्या अधिकार प्रदान किया गया है, इसमें 4 चीजें आती है। देखिए, अंतःकरण की, धर्म का, धर्म को मानने, धर्म को अपनाने और धर्म का प्रचार करने। अनुच्छेद 25 में ये 4 चीजें आती हैं। हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अंतःकरण हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो किस धर्म या पंथ को स्वीकार करती है, इसकी हमें स्वतंत्रता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता कि उसे वो पंथ या वो संप्रदाय, वो धर्म जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा अंतःकरण, हमारी आत्मा जिस भी पंथ और जिस भी संप्रदाय को अपनाना चाहती है, उसका अनुसरण करना चाहती है, ये हमें स्वतंत्रता है। कोई भी पंथ है, कोई भी धर्म है, उसकी क्या प्रथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, क्या रूढ़ियां हैं, उन सबको हमें मानने का पूरा पूरा अधिकार है। ये हमें संविधान जो है वो स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 में ही धर्म को मानने, कोई हर व्यक्ति को अपने अपनी अंतरात्मा के अनुसार अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसको अपनाने की। जिस धर्म को हम मान रहे हैं उसको सार्वजनिक रूप से हम अपनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदू धर्म का उपासक हूं तो मैं सार्वजनिक रूप से ये तिलक लगा सकता हूं, ये इस बात का प्रतीक है कि मैं हिंदू धर्म का उपासक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं पूजा पाठ और पद्धति के अंदर विश्वास करता हूं। तो ऐसे हर देश के नागरिक को जो है अपने धर्म को सार्वजनिक रूप से घोषित करने का भी अधिकार है। फिर धर्म का प्रचार करने का, हर धर्म के, पंथ के, संप्रदाय के अनुयायी को अपने धर्म, अपने पंथ, अपने संप्रदाय की शिक्षाओं को, मान्यताओं को, विचारों को
प्रचारित और प्रसारित करने का अधिकार है। आप संत बनकर के, उपदेशक बनकर के, मौलवी बनकर के, मुल्ला बनकर के, आप किसी भी माध्यम से अपने धर्म की शिक्षाओं को, सिद्धांतों को जो है और प्रसारित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 15 के तहत आपको जो अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि भारत में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, किसी भी पंथ के, धर्म के, भाषा के, संस्कृति के, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको संविधान ये स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धार्मिक कार्यों के का प्रबंध कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत वो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, उनके लिए चल और अचल संपत्ति खरीद सकते हैं और कानून के अंतर्गत उन संस्थाओं का संचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए अगर सरकार आपके ऊपर कोई टैक्स लगाती है तो आप उस टैक्स को देने से इनकार कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो सरकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान है, वो चाहे सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है और धर्म के आधार पे, पंथ के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे न तो व्यक्ति को प्रवेश देने से वंचित किया जा सकता है और न उनको धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस चीज को विस्तृत रूप से मैंने मूल अधिकारों वाले टॉपिक में समझाया है, तो आप वहां भी इसको देख सकते हैं। अगला, संविधान में और क्या प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि हर जो नागरिक है उसको अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी शिक्षा को सुरक्षित रखने का अधिकार है। हर संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जैसे लुहार जो होते हैं वो यहाँ तक चूड़ा पहनते हैं, इतना ऊंचा ऊंचा घाघरा पहनते हैं, वो उनकी अपनी संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने का उनको अधिकार है। हर संप्रदाय की इस प्रकार से अलग प्रकार की संस्कृति, अलग प्रकार की प्रथाएं, अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, तो उनको अनुच्छेद 29 के तहत सुरक्षित रखने का अधिकार है, राज्य इनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक नागरिकों के वर्ग होते हैं उनको अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा संविधान में आस्तिक और नास्तिक में भेद नहीं किया गया है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत के संविधान में आस्तिक और नास्तिक के बीच में कोई भेद नहीं किया गया है। यानी आप अगर आस्तिक हैं तो भी आप जो है देश के नागरिक हैं, नास्तिक हैं तो भी आप देश के नागरिक हैं। जो संविधान की तीसरी अनुसूची है, उस तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? शपथ। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनको जो पद ग्रहण करते समय शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ का प्रारूप जो है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो उस अनुसूची में भी ये कहा गया है कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो आस्तिक हैं, वो ईश्वर के नाम पर जो है शपथ ले सकते हैं और जो नास्तिक हैं वो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मैं साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि आरपीएससी ने 2011 की सेकंड ग्रेड की एग्जाम में आस्तिक और नास्तिक का मतलब अलग माना था। उसने आस्तिक का मतलब माना था जो वेदों में वर्णित ज्ञान में विश्वास करता है, वेदों में वर्णित ज्ञान में जो विश्वास करता है वो आस्तिक कहलाता है और जो वेदों में वर्णित ज्ञान में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक कहलाता है। अगला देखिए, मतदाता सूची में नाम जोड़ना, अनुच्छेद 325। भारत में किसी भी नागरिक के साथ में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है कि वो फला जाति का है, फला धर्म का है, फला पंथ का है, इसलिए उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा।
अनुच्छेद 325 कहता है कि बिना किसी धर्म और पंथ के भेदभाव के जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो चुका है उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। तो ये मूल अधिकारों से रिलेटेड कुछ प्रावधान है जो स्पष्ट रूप से ये प्रतिपादित करते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ में, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार, समान स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी और इस बाबत जो है अपने निर्णय दिए। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है पंथ निरपेक्षता के ऊपर वो है बॉम्बई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और राज्य जो है वो धर्म के आधार पे व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारिक लक्षण है, मतलब संविधान के मूल ढांचे में जो है उसने पंथ निरपेक्षता को शामिल किया है, यानी संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके भारत के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को समाप्त नहीं कर सकती। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं।